कृष्णा राधे राधे। वृंदा देवीदासी के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लड्डू गोपाल जी का और भी एक सुंदर सा लीला लेकर आ गए हैं। आज का ये लीला आप सबको बहुत अच्छा लगेगा, तो चलिए ज्यादा देर ना करके हम शुरू करते हैं आज का लीला कथा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप थोड़ा गिरीश योना को राधे राधे बोल दीजिए। देखिए गिरी अभी पूजा है ना हमारे यहाँ, तो इसीलिए गिरीश योना कितने प्यारे से लग रहे हैं। आप सब गिरीश योना को राधे राधे बोल दीजिए और शुरू करते हैं आज का लीला कथा। आशा है आज का लीला कथा आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। लेट्स स्टार्ट। हमारा वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसके पास जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आज का ये लीला कथा हमारे साथ जिन्होंने शेयर किया है वो दिल्ली में रहने वाले अनुभव है। अनुभव ने हमसे कहा, हम बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं और हम लड्डू गोपाल जी के परम भक्त हैं। यूट्यूब में जब हमने लड्डू गोपाल जी का सेवा देखा तभी से हमारे मन में एक इच्छा जागा था कि हम लड्डू गोपाल जी का सेवा करेंगे। और हमारे घर में भगवान श्री कृष्ण का पूजा होता था लेकिन लड्डू गोपाल जी का पूजा सेवा कुछ भी नहीं होता था। तो हमने अपनी मम्मा से कहा, मम्मा हम लड्डू गोपाल जी का सेवा करना चाहते हैं, क्या हम लड्डू गोपाल जी को घर पर ला सकते हैं? ये सुनकर हमारी मम्मा तो बहुत ज्यादा खुश हो गई। मम्मा ने कहा, ठीक है अगर आप लड्डू गोपाल जी का सेवा लेना चाहते हो तो जरूर लेकर आओ, हम तो बहुत खुश होंगे। हम बहुत दिनों से ही आपसे कहना चाहते थे लेकिन पता नहीं क्यों कह नहीं पाए। तो आपके मन में जब आया है लड्डू गोपाल जी का सेवा आप करना चाहते हो तो आप जरूर उन्हें लेकर आ सकते हैं। आप सेवा करना, फिर हमें भी मौका मिल जाएगा, हम भी उनका सेवा कर पाएंगे। यही सोचकर हम और हमारी मम्मा बहुत खुश हो रहे थे। लेकिन हम जहाँ रहते हैं यहाँ पर लड्डू गोपाल जी नहीं मिलते थे, इसीलिए हमारी मम्मा ने कहा, आप एक काम कर दो बेटा, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दो तो हमें लड्डू गोपाल जी मिल जाएंगे। मम्मा की बात सुनकर हमने लड्डू गोपाल जी को चॉइस किया और हमने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। बहुत खुश थे हम। जन्माष्टमी के कुछ दिन पहले ही लड्डू गोपाल जी हमारे घर आने वाले थे। मम्मा ने जन्माष्टमी के लिए बहुत कुछ इंतजाम किया था। मम्मा बहुत खुश थी कि लड्डू गोपाल जी आएंगे और कितना सुंदर से हम पालन करेंगे जन्माष्टमी। लेकिन जन्माष्टमी के 2-3 पहले ही हमारा जो ऑर्डर था वो कैंसिल हो गया। हम बहुत ज़्यादा ही दुखी हो गए। मम्मा तो रोने लगी। मम्मा ने कहा, ये कैसे हो गया बेटा? तो हमने कहा, पता नहीं मम्मा, ऑर्डर कैंसिल हो गया और देखिए ना लड्डू गोपाल जी का जो पेमेंट हमने किया था वो भी वापस हमें मिल गया, अब हम क्या कर सकते हैं? तो मम्मा ने कहा, तुमने अच्छे से ऑर्डर नहीं किया होगा इसीलिए कैंसिल हो गया। अब मैं मम्मा को क्या समझाता, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर मम्मा रोए जा रही थी। मम्मा बहुत ज़्यादा ही दुखी थी लड्डू गोपाल जी नहीं आएंगे ये सुनकर, और जैसे हमारे ऊपर भी पहाड़ टूट पड़ा था। लड्डू गोपाल जी आएंगे इस बात को लेकर पूरा परिवार कितना खुश था। सब लोग मिलकर हम लड्डू गोपाल जी का आने का तैयारी कर रहे थे, फिर जन्माष्टमी में कितना मजा करेंगे उसका भी तैयारी कर रहे थे। लेकिन सब कुछ जैसे एक झटके में ही बर्बाद हो गया। क्या करते, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने मम्मा को थोड़ा समझाया और कहा, मम्मा आप रोना बंद कीजिए, पहले मैं कल बहुत ढूंढूंगा और ज़रूर मैं आपके लिए लड्डू गोपाल जी को लेकर आऊँगा। ये बात मैंने मम्मा से कहा। मम्मा ने कहा, ठीक है हमारे यहाँ तो लड्डू गोपाल जी नहीं मिलते हैं बेटा, फिर भी आप एक बार मार्केट में देख लेना, अगर मिल गए तो ठाकुर जी का बहुत कृपा होगा हम पर। मम्मा से ये बात कहने के बाद ही नेक्स्ट दिन हमने एक भी मिनट लेट नहीं किया। सुबह उठकर पहले ही हम मार्केट चले गए लड्डू गोपाल जी को लेने के लिए। लेकिन हमने बहुत ढूंढा, मार्केट में कहीं भी हमें लड्डू गोपाल जी नहीं मिले। हम बहुत ज़्यादा ही दुखी थे। परसों ही जन्माष्टमी है और आज अगर हमें लड्डू गोपाल जी नहीं मिले तो क्या होगा? और सबसे ज़्यादा ये चिंता हमें सता रहा था, अगर हमें लड्डू गोपाल जी नहीं मिलेंगे हम मम्मा को क्या जवाब देंगे? ये बात सोचकर हमें बहुत ज़्यादा ही दुख हो रहा था। अगर हम घर पर जाकर मम्मा को ये बताएंगे कि मम्मा हमें लड्डू गोपाल जी नहीं मिले तो क्या मम्मा खुद को संभाल पाएंगी? कल कितना ज़्यादा रो रही थी ऑर्डर कैंसिल होने के कारण, आज हमें मार्केट में लड्डू गोपाल जी भी नहीं मिले। क्यों ठाकुर जी ने हमसे ऐसे मुंह फिराया है? क्यों वो हमारे पास सेवा लेने नहीं आना चाहते? कितने दिन से तो हम चाहते थे लड्डू गोपाल जी को, लेकिन आज जब हमें मौका मिला तो लड्डू गोपाल जी खुद ही नहीं आना चाहते। क्या पाप हो गया हमसे? ये सब सोचते सोचते ही हम घर की तरफ बढ़ रहे थे। घर पास आते ही डर और भी ज़्यादा बढ़ रहा था।
समझ में नहीं आ रहा था मम्मा को कैसे समझाऊं। फिर सारा सब कुछ सोचते सोचते मैं घर पहुंचा। घर पहुंचते ही मम्मा ने हमसे कहा, अरे बाबू क्या तुमने कुछ ऑर्डर किया था? अनुभव जी ने अपने मम्मा से कहा, नहीं तो मम्मा हमने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया। क्यों, क्या हुआ जी? देखो ना कुछ पार्सल आया है तुम्हारे लिए, पता नहीं क्या है इसमें। हमने तो खोलकर नहीं देखा, हमने सोचा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ होगा, तुम आकर देखोगे इसीलिए हमने कुछ नहीं कहा। हम जल्दी से गए और जब हमने पार्सल को खोला तो हमारा जीवन ही बदल गया। हमने देखा पार्सल के अंदर एक बहुत ही सुंदर से 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी थे, और उस पार्सल के अंदर सिर्फ लड्डू गोपाल जी नहीं, उनका सारा श्रृंगार का सामान भी था, जो देखकर हम और हमारी मम्मा बिल्कुल चौंक गए थे। हमने कहा, अरे हमारा ऑर्डर तो कैंसिल हो गया था, और जिस लड्डू गोपाल जी को हमने ऑर्डर किया था, ये लड्डू गोपाल जी तो वो लड्डू गोपाल जी नहीं है, और श्रृंगार का सामान भी तो हमने ऑर्डर नहीं किया था, तो ये लड्डू गोपाल जी कहाँ से आ गए मम्मा? कि हम इतना ज़्यादा ही खुश हो रहे थे लड्डू गोपाल जी को लेकर कि हम सब कुछ भूल ही गए। लड्डू गोपाल जी को लेकर कैसे पूरा दिन बीत गया हमें पता ही नहीं चला। हमने उनका अभिषेक किया, उनका प्रतिष्ठा किया, उन्हें भोग लगाया, उनके साथ ढेर सारा समय बिताया, बहुत सारा गाना किया। हमारी मम्मा तो जैसे हमें ही भूल गई थी लड्डू गोपाल जी को पाकर। मम्मा को इतना खुश देखकर हम बहुत ज़्यादा ही खुश थे। जैसे हम रास्ते में सोच रहे थे कि हम मम्मा को क्या उत्तर देंगे कि हमें लड्डू गोपाल जी नहीं मिले, वो सारा सब कुछ जैसे एक झटके में खुशी में परिवर्तन हो गया था, सारा दुख जैसे हंसी में बदल गया था। मैंने और मम्मा से कुछ भी नहीं कहा कि हम इतना घूमे फिर भी हमें लड्डू गोपाल जी नहीं मिला, बस इस खुशी को हम कम नहीं करना चाहते थे, इसीलिए हमने मम्मा से कुछ भी नहीं कहा। बस लड्डू गोपाल जी के साथ पूरा दिन हमने कैसे बिताया वो मुझे आज भी याद नहीं। लेकिन उसके बाद जो घटना घटा वो और भी चौंकाने वाला था। हम संध्या के टाइम लड्डू गोपाल जी को लेकर ही बैठे हुए थे, अचानक ही हमारे मासी ने हमें कॉल किया और उन्होंने कहा, अरे बाबू क्या तुझे पार्सल मिल गया? तो हमने कहा, मासी पार्सल आपने भेजा था? तो मासी ने कहा, हाँ मैंने तो भेजा था, तूने वो बॉक्स नहीं देखा क्या? फिर मासी ने हमसे कहा, वो क्या है ना, तेरी मम्मी कुछ दिन पहले ही कह रही थी कि उसे लड्डू गोपाल जी चाहिए, जन्माष्टमी में वो लड्डू गोपाल जी का प्रतिष्ठा करेगी, पूजा करेगी, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो तुम लोगों को थोड़ा सरप्राइज गिफ्ट देते हैं। मैं तो ये बात सुनकर बिल्कुल चौंक गया था। अनुभव ने अपनी मासी से कहा, मासी पता है मैंने लड्डू गोपाल जी ऑर्डर किया था लेकिन मेरा ऑर्डर भी कैंसिल हो गया, शायद आपके लड्डू गोपाल जी हमारे घर आने वाले थे इसीलिए हमारा ऑर्डर कैंसिल हो गया। पता है मासी कल रात को ना मम्मा बहुत रो रही थी, हमारा ऑर्डर कैंसिल हो गया इसीलिए, और देखिए आज मैं मार्केट भी गया था लेकिन मुझे वहाँ भी लड्डू गोपाल जी नहीं मिले, और आज आपके लड्डू गोपाल जी कैसे हमारे पास आ गए, ये चमत्कार से क्या हो सकता है मासी, लड्डू गोपाल जी ने कितना बड़ा लीला किया हम सबके साथ। हमारी मासी ने कहा, अरे तुम लोगों ने ऑर्डर किया था, मुझे तो ये पता नहीं था, मुझे लगा तुम लोगों को सरप्राइज देना है इसीलिए मैंने लड्डू गोपाल जी और उनका श्रृंगार का सारा सामान भेज दिया, चलो अच्छा ही हुआ ऑर्डर कैंसिल हो गया, तो लड्डू गोपाल जी आ तो गए ना तुम्हारे घर, चलो जन्माष्टमी के दिन मैं भी आऊंगी तुम्हारे घर और बहुत ही धूमधाम से जन्माष्टमी पालन करेंगे, क्या कहते हो, बहुत मजा होगा। अनुभव अपनी मासी के बातों से बहुत ज्यादा खुश था, वो भागता हुआ लड्डू गोपाल जी के पास चला गया और उनसे कहा, आप बड़े ही कृपालु हो लड्डू गोपाल जी, एक मिनट के लिए तो हमें लगा था कि हम आपको खो चुके हैं और इसीलिए शायद हमारा ऑर्डर भी कैंसिल हो गया, लेकिन आप हमारे पास आना चाहते थे इसीलिए आपने इतना बड़ा लीला रचा, हमारा ऑर्डर भी कैंसिल कर दिया, फिर हमें मार्केट में कहीं भी आप नहीं मिले, क्योंकि आप जो हमारे ऊपर कृपा करने वाले थे सब कुछ आपका लीला है और यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा लीला है जो कि हमारे लड्डू गोपाल जी ने हमारे साथ किया था। अनुभव और उसकी मम्मा, उनकी मासी, उनका पूरा परिवार लड्डू गोपाल जी को लेकर बहुत खुश है, वो लोग बहुत ही लड्डू गोपाल जी के साथ एंजॉय करते हैं, लड्डू गोपाल जी को जहाँ भी जाते हैं वही लेकर जाते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और सबसे खुशी की बात ये है कि अनुभव जी जब अपने लीला बता रहे थे तो भी वो खुशी के मारे रो रहे थे, मतलब आप सोच सकते हैं अनुभव कितना खुश है अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर। अब आप बताइए अनुभव जी के जीवन का ये घटना आप सबको कैसा लगा,
अगर अच्छा लगा हो, दिल को स्पर्श किया है, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे कर दीजिए, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो सबको इतना सुंदर सुंदर, इतना प्यारा प्यारा लीला सुनाई कैसे देगा। आप शेयर करेंगे तभी तो सब सुन पाएंगे ना, इस यही तो भक्त का कर्तव्य होता है। इसीलिए अगर लड्डू गोपाल जी के प्रति आपका प्रेम है और सबके अंदर आप लड्डू गोपाल जी का प्रेम बढ़ाना चाहते हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सब लोग ये सुंदर सुंदर लीला कथा हर रोज सुन पाए। और अगर आपके जीवन में भी घटित है कुछ ऐसा लीला जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा, हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही अपने गोपू के साथ, अपने फैमिली के साथ। हमेशा हंसते रहे और बहुत बहुत खुश रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए जाते जाते गिरीशोना को थोड़ा टाटा बोल दीजिए। गिरीशोना, सबको टाटा बोल दो और सबको बोल दो हैप्पी दुर्गा पूजा, ऑल ऑफ यू, टाटा टाटा, राधे राधे।